So once again a very good evening to all. So ये होची heat chapter lecture number 2. lecture number 1 रे जो था हम शेष कर थे ले टू रू obviously हमें सेट में तो start करिए ना. So first step में देखिए बा precautions to be observed while using a clinical thermometer. अपन जितने बड़े कौन से क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज कर चुन्दी जितने बड़े कौन तरह प्रिकॉशंस ने पे. सो नंबर वन पॉइंट फास्ट ऐसे वो कौन थर्मामीटर टा को यूज करे पूर्व पूर्व ताको भला भरे जॉर्क एमटी ठीक है जॉर्क दे दबा कौन पे इनका जॉर्क दे दबा कहेंगे ना थर्मामीटर रे मर्क्यूरी लेवल डा काले ऊपर को ठीक पड़े ऐसे दिबो मर्क्यूरी सब जगह गैदरिंग है कि हमारा बल्ब रहिबा निहत दरकार तो मर्क्यूरी को बल्ब को आने पर हेले टिके जर्क एमती टिके ना को एमती जर्क आमे दबा निहत दरकार. सेकेंड जिनस हो कौन आम जिते बड़े भी थर्मोमीटर को यूज करूबा गोटे जिन मन रखा जो थर्मोमीटर को केवे पटी में खूब जोर कामुड़बानी कहीं थर्मोमीटर टा जेहेतु ग्लास ग्लास पाउडर टा आमर गम हो टीथ रे हो लगे ब्लीडिंग करें कि अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेकली आम जे शालो कर दौचे शालो कर दे कौन हम सी आम थ्रोट को जाकि जो फूड पाइप ताकू स्क्रैच करी पारे उंड करी पारे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मर्क्यूरी मर्क्यूरी टा होजी कौन गोटे पॉइजन सब्सटेंस टे जोटा को जो आम शालो करवा आम डेथ भी हो जाए. नेक्स्ट आसला थर्मोमीटर को यूज कला बेले आमे तको पार्टी भितरे 2 मिनिट रु कम समय पर्यंत रखिबा ताटू अधिक रखिबा नाही. नेक्स्ट पॉइंट आसीबो कोनो थर्मोमीटर को पार्टी भितरु बाहर करिके ताको एमिति होराइजोंटली ताको एमिति धरिबा एमिति वर्टिकली करिबानी एमिति वर्टिकल पोजीशन धरिबानी एमिति ताको होराइजोंटली एमिति होराइजोंटली ताको धरिबा बुझला. सो दीज आर द बेसिक दीज आर द वेरी बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देन नेक्स्ट पार्ट आम आसा ट्रांसफर ऑफ हीट. देखो ट्रांसफर ऑफ हीट मान हूँ कौन यूनिवर्सली कौन हूँ प्रत्येक यूनिवर्सली जेकोसी दीटा ऑब्जेक्ट को जितेबाला आम परस्पर कांटेक्ट को आने सपोज धरी नि आपखे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ए आ गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी बी जदि ए ऑब्जेक्ट ताको मु बी ऑब्जेक्ट पाख को जदि आनिबी ए कौन करिवो ए पाखर जो हीटटा अच्छी सेटा बी पाख को ट्रांसफर हबो आ बी पाखर जो हीटटा अच्छी सेटा ए पाख को ट्रांसफर हबो. सो दिस इज यूनिवर्सल सो दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट. सो हीट कौन होची गोटे प्लेस रु आ गोटे प्लेस को जतले हीटटा जिवो से तीनटा मेथड देबि जाउची गोटे होची कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. देखो कंडक्शन मेथड कहले कौन हीटटा गोटे प्लेस रु आ गोटे प्लेस को जीवो हीटटा गोटे प्लेस रु आ गोटे प्लेस को जीवो बाय सॉलिड मीडियम देखी हीट ट्रांसफर हम जदि आम कहवा कंडक्शन ऑफ हीट. आपण आयरन रड नियंतु स्टील रड नियंतु गोल्ड रड नियंतु दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेस से सॉलिड सब्सटेंस देकी जेतोळ हीट ट्रांसफर करिवो आमे ताको कहिबा कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बुझी. नेक्स्ट आमर आसिला कंडक्शन परे कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर. देखो कन्वेक्शन मेथड रे कौन हो कन्वेक्शन मेथड रे हमर हीट ट्रांसफर हम ट्रांसफर ऑफ हीट इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसियस मीडियम लिक्विड मीडियम रे हो किबा गैसियस मीडियम रे हो हीट ट्रांसफर करियो दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. देखो कंडक्शन रे हीट ट्रांसफर करिवो जेकोसी एनी डिरेक्शन को हीट ट्रांसफर कर देख गोटे एग्जांपल गोटे सिंपल एग्जांपल देख एटी सॉलिड सब्सटेंस दे कि हीटटा एमती ट्रांसफर करमती जामती अच्छी एमती गला जदि मुझे एमती रखी परपेंडिकुलर पोजिशन रखीदी तेल हीटटा एमती तलु जी उपर को जो कैंडेलटा मुझे रखी ना तो हीटटा तलु जी उपरको जदि मुझे बुले देवी डिरेक्शन
लेफ्ट रु राइट के रखिदेवि जदि कैंडल टा एठी रहइबो तले हीट टा लेफ्ट रु राइट के फ्लो करइबो बुझि होछ कि नै तनो एठी आमे देखिले कोन हीट टा जे कोनसी डायरेक्शन को जाई परइबो बा जाई परछु किंतु कन्वेक्शन मेथड रे कोन होछ कन्वेक्शन मेथड रे हीट टा केवल तळु ऊपर को हि जइबो ऊपर तळु को आसीबो नै कन्वेक्शन मेथड रे हीट सब बोले तळु ऊपर को ही ट्रांसफर होबो ऊपर के तळे तळु को ट्रांसफर होबो नै नेक्स्ट आसला एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन ऑफ करंट देखो कन्वेक्शन रो बहुत गुड एप्लीकेशन होई छि जेमति वेंटिलेशन इन रूम्स आमे अधिकांश घरे सब देखि थाउ छे घर रो जो वेंटिलेटर जोटा कहंती एडा अपन देखि पड़थे दिस इज द वेंटिलेटर ऑफ ए रूम दिस इज द वेंटिलेटर या कोई वेंटिलेटर ही हम कहू छे एटा सब बेले घर रो रूफ पाखरे रहै थे घर रो एटा रूफ पाखरे रहै थे यार कॉज कोन काई कि एटा अपन देखंतु जेतेबेले आमे जान छे भल आबरे जेतेबेले एयर टा हीट हो जाउ छे एयर टा हीट हे गेले गरम पवन डा ऊपर को सब बेले उठिबो ना पवन डा गरम हे गेले ऊपर को उठिबो त सब जको हॉट एयर ऊपर गैदरिंग हला पर कोन हबो से वेंटिलेटर देकि से बाहर को पड़े जो जदि वेंटिलेटर न थांदा ताले से हॉट एयर डा बाहर को केबल जाय पड़ो बुझो छी लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज मोस्ट पॉपुलर फेनोमेनन ऑफ नेचर बुझे लगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज देखो सी ब्रिज रे कोन होची डे टाइम रे लैंड जल्दी हीट हेगला किंतु सेतिक बेळ को वाटर टा कोल्ड थिबो डे टाइम रे कोन होची डे टाइम रे लैंड जल्दी हीट अप हे जाउची किंतु ठीक से समय रे हमरा वाटर सरफेस टा कोन कोल्ड थिबो जहाँ फले कोन होला लैंड जल्दी हीट हे गले लैंड को लागे कि जो एयर अच्छी से एयर भी हीट हे गला एयर हीट हे गला परे हॉट एयर कोन हबो ऊपर को पळे जीवो ऊपर को एटमॉस्फेयर ऊपर को उठि जीवो तो एठी को होला एठी से एरिया टा वैक्यूम वैकेंसी पडला एठी से एरिया टा वैकेंट पडि गला तो से वैकेंट एरिया को फुलफिल करिया पई कोल्ड एयर वाटर साइड रो कोल्ड एयर ब्लो हे के आसीबो तो दिस इज सी ब्रिज लैंड ब्रिज केस रे कोन होउची ना नाइट टाइम रे कोन हबो लैंड खूब शीघ्र कोल्ड हे जीवो किंतु वाटर सरफेस हॉट थिवो वाटर सरफेस हॉट अछि माने वाटर सरफेस को लागे कि जो एयर अछि से भी हॉट अछि सी हॉट थिले कोन हबो ना हॉट एयर उठि जीवो कोडे हॉट एयर उठिबो ऊपर को हॉट एयर उठिबो कोडे टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर ऊपर को उठि जीवो सो ऊपर को उठि गेले एई एरिया कोन पडिबो वैकेंट खाली पडि गेला तो एई वैकेंट एरिया को फुलफिल करया पई कोन हबो वैकेंट एरिया को फुलफिल करया पई एपटे लैंड रु कोल्ड एयर ब्लो हे कि क्वार चलिबो सी को चलिबो कोल्ड एयर ब्लो हे कि सी को चलिबो बुझि होची सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज ये होची कन्वेक्शन रो गोटे बहुत भलो एग्जांपल बुझि होची ना तापर एठी आमे केतो क्वेश्चन विषय डिस्कशन करिया सेटिंग फास्ट से देछि व्हाई आर एयर कंडीशंस फिटेड एट ए हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम एयर कंडीशनर आपण मान देखिथिबे एसी एसी टाकू सबु बळे घरर ऊपर लगा जाय हेला कि पाखा पाखी को पोजीशन रे छात पाखा पाखी पोजीशन रे लगा जाय सबळे रूम रो ऊपर लागथे एसी कोन पेंगा लागथे काईंग ना एटा मन रखंदो आपण दया करी हमरो हॉट एयर आउ कोल्ड एयर भितरु हॉट एयर आउ कोल्ड एयर भितरु कोल्ड एयर टा होची हेवी आउ हॉट एयर टा होची लाइट तो कोल्ड एयर टा जेतु हेवी एसी लागिथिबो जदि ऊपर ताले कोल्ड एयर टा तळु को आसीबो जदि हम एसी टा को जदि लगाय देबा कोठी किना एसी टा को जदि लगाय देबा एठी किना जदि लगाय देबा एसी टा ताले को होला से कोल्ड एयर प्रोवाइड करिवो सब जगह कोल्ड एयर कोन हबो सेई फ्लोर लेवल ले ही रहिवो ऊपर को जीवो नहीं अ
সেটা যদি আমি উপর লগাইবা সেই পজিশন যদি এসিটা লগাইবা তাহলে কোণ হব সে কোল্ড এয়ারটা তলক ছাড়ব যা ফলে কি পুরো রুমটা কোল্ড হব বুঝলা। নেক্সট কোশ্চেন দেলা হোয়াই আর রুম হিটর্স প্লেসড আট অর নিয়ার দ ফ্লোর অফ দ্য রুম। রুম হিটর কু কোণ পাইকা ফ্লোরে রখা যায়। দেখো রুম হিটরটা কু ফ্লোরে রাখলে কোণ হব রুম হিটর কোণ করিব আমাকে হট এয়ার প্রোভাইড করিব রুম হিটরটা গ্লো করিব হিট প্রোভাইড করিব হিট কলে রুম হিটর কু লাগি কি যে এয়ার আছে সে বি হিট হয়েগলা এয়ার যেতবে হিট হব এয়ার হিট হয়েগলা পরে হট এয়ারটা উপরে উঠিব তো রুম হিটরটা তলে লাগিছি সেই পজিশনে লাগিছি রুম হিটরটা তলে লাগিছি হেলা। তো যা হলে কম হল সেই পাখাপাখি এরিয়া কম হব সে পাখাপাখি এরিয়া হট হেলা সে পাখাপাখি এরিয়া হট হয়ে গেলে হট এয়ারটা স্লোলি স্লোলি উপরক রাইজ করব উপরক রাইজ করি স্লোলি 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 পুরা রুমটা তাকে সে হিট করদেব আমি ওয়ার্ম লাগিব স্লোলি 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 বুঝলা। And finally, here comes third method amro radiation method of heat transfer. So radiation method of heat transfer re kon hochi heat ta directly transfer korchi without affecting any medium lagi radiation method pai kon hochi konosi prakara medium ro aboshyakata na thae jemiti amro sunlight ta earth ku asuchi লাইক সনলাইটটা যেমিতি আর্থকে আসুচি রেডিয়েসন মেথড সেটি কোনসি প্রকার মিডিয়মর আবশ্যকতা নথায় হেলা। সো আজপাই এতিকি আন্ড নেক্সট পার্টটা বহু শীঘ্র তার লাস্ট পার্টটা আছে লাস্ট পার্টটা বহু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস মধ্যে রয়েছে তাকে নেক্সট পর সেশনে আমি কভর করিবা ঠিক আছে। সো ধন্যবাদ অ্যান্ড বাই।